नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को अनार एवं उसमें लगने वाले कीड़े तथा उसके मैनेजमेंट के बारे से बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अनार के बारे से। तो यह इसका नाम है पूर्णिका ग्रेनेटम, साइंटिफिक नेम। यह फैमिली पूर्णिकाई से बिलोंग करता है और ये एवरग्रीन प्लांट है जो कि डेसिडुअस इन नेचर होता है एवं हिली एंड प्लेन दोनों एरिया में उगाया जा सकता है। एनुअल प्रोडक्शन इसका देखें तो यह 0.8 मिलियन टन तथा एरिया 0.13 मिलियन हेक्टेयर है इन इंडिया में। और अगर हम इसके मेजर ग्रोइंग स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में यह ग्रो किया जाता है मेजरली। एंड ये सारी जो वैरायटी है प्रमुख रूप से पोमोग्रेनेट की ग्रो की जाती है थ्रू आउट द इंडिया। और जब यह प्लांट 1 साल का होता है, ये जनरली पेरिनियल होता है, तो जब ये प्लांट 1 साल का होता है तो इस मात्रा में हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल सकते हैं जो कि इसके ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, जैसे FIM हो गया, यूरिया हो गया, SSP हो गया, MOP। अगर प्लांट 5 ईयर एंड अबो ओल्ड है तो ये उसका अमाउंट है, फर्टिलाइजर का अमाउंट है। अब हम देखते हैं पोमोग्रेनेट में लगने वाले कीटों के बारे से। तो सबसे पहले आता है पोमोग्रेनेट बटरफ्लाई, जिसको बोलते हैं डियोडोरिक्स आइसोक्रेट्स। ये लेपिडोप्टेरा फैमिली का है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर तथा लाइकेनिट फैमिली का है। ये ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यह पेस्ट, तथा इसका अल्टरनेट होस्ट जो है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि पोमोग्रेनेट बटरफ्लाई का दूसरा होस्ट कौन सा है, जैसे कि आंवला हो गया, एप्पल, बेर, गुआवा, लीची, पियर, प्लम। तो ये सारे इसके अल्टरनेट होस्ट है। जनरली ये कैटरपिलर है, डार्क ब्राउन इन कलर, 17 से 20 cm होता है लॉन्ग जब ये कम्प्लीटली बड़ा हो जाता है, और हेयर्स पाए जाते हैं ऑल ओवर बॉडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में तो क्या होता है। और ये अडल्ट जो बटरफ्लाई है ग्लॉसी ब्लूइश वॉयलेट कलर होता है या ब्राउनिश कलर होता है, और ये आप डैमेज देख सकते हैं। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो जो फीमेल होती है वो ओवल शेप एग यहाँ पे कैलिक्स, फ्लावर के कैलिक्स पे ले करती है सिंगली। तो ये 7 से 10 दिन में लार्वा एमर्ज हो जाता है और लार्वल पीरियड 18 से 47 दिन लास्ट होता है में कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या होता है, जब छोटे लार्वा होते हैं वो होल करके अंदर चले जाते हैं और अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, और एक्सक्रीटा एंड जो भी पदार्थ वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करते रहते हैं और फ्रूट को मार्केटेबली अनएक्सेप्टेबल बना देते हैं। और जैसे ही ये बड़ा हो जाता है, प्यूपेशन की अवस्था में आने की स्थिति में जैसे ही हो जाता है, तो ये होल करके बाहर निकल आ जाता है। तो कैटरपिलर इनसाइड रिडलिंग के रूप में डैमेज कॉज करता है, और राइपनिंग सीड जो होते हैं उनको जनरली जूसी होते हैं तो उससे वो जूस सक कर लेता है। और यह पेस्ट 40 to 90% डैमेज का जिम्मेदार है। इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो बैगिंग फ्रूट्स बिफोर मेच्योरिटी ये वन ऑफ द रिकमेंडेड प्रैक्टिस है जिसको सजेस्ट करते हैं। एंड कलेक्शन, क्योंकि ये हाईली इकोनॉमिक क्रॉप है, जनरली आप देखते हैं 100 रुपीज, 150 रुपीज केजी ही मिलता है ये तो। और इसको मैं कर सकता हूँ बैगिंग ऑफ फ्रूट इसलिए रिकमेंड किया जाता है। एंड कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉलन इन्फेस्टेड फ्रूट इज वन ऑफ द मैनेजमेंट प्रैक्टिस। एंड देन रिमूवल ऑफ फ्लावरिंग वीड्स, जो कंपोजिट फैमिली के जो वीड्स होते हैं आसपास उगे होते हैं जो कि अल्टरनेट होस्ट का काम करते हैं, तो उनको भी रिमूव किया जा सकता है। फिर लार्वा पैरासिटाइज्ड होता है, ब्रैकिमेरिया एक पैरासिटॉइड है जिसको रिलीज करते हैं तो भी इनके पॉपुलेशन में कमी आ जाती है। उसके बाद आप केमिकल कंट्रोल ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अनादर पेस्ट आता है बार किटिंग कैटरपिलर, इंद्र इंद्र बेला क्वाड्रिनोटाटा एंड इंद्र बेला टेट्रानियस। तो ये इसका अडल्ट है एंड जो लार्वा है इस तरह से दिखता है, जो कि सिलिंड्रिकल लॉन्ग एंड स्किन साइनी एंड टाइट है। इसका अदर होस्ट साइट्रस, मैंगो, गुआवा, जामुन और मलबेरी वगैरह है, और पीक एक्टिविटी इसकी सितंबर से अक्टूबर में देखने को मिलती है। लाइफ साइकिल की बात करें तो यह
जो एग होता है, अडल्ट होती है, वो एग ले करती है, जैसे लूज बार्क, क्रैक्स एंड क्रेविसेस में, इन क्लस्टर्स, 15 से 25 के क्लस्टर में ये एग ले करती है, फ्रॉम अप्रैल टू जून, और ये 8 से 11 दिन में हैच कर जाते हैं। तथा लार्वा का जो ड्यूरेशन होता है ये 9 से 10 महीने का होता है, मतलब करीबन 1 साल का, जो कि अंदर प्लांट में घुस के अंदर ही अंदर छेद बना देता है, जिससे ब्रांचेस जो हैं पोमोग्रेनेट के ड्राई होने लगती हैं। इसके जो प्यूपल पीरियड है 3 to 4 वीक्स है, लाइफ साइकिल 4 से 5 महीने में होता है, जो साउथ इंडिया में, और 1 साल लगभग नॉर्थ इंडिया में होता है। नेचर ऑफ डैमेज की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं लार्वा, ब्लैकिस लार्वा है, जो कि जिगजैग टनल बनाता है इनसाइड द स्टेम्स एंड ब्रांचेस, और ये जो एरिया है जहाँ पे ये खाता है इनसाइड, वहाँ पे रिबन लाइक सिल्कन वेब दिखाई देता है, जो कि इसके एक्सक्रीटा और वुड चिप्स से, सलाइवा वगैरह से मिलके बना होता है। सीवियर डैमेज के केस में क्या होता है कि प्लांट की डेथ हो जाती है। अब इसे मैनेज कैसे करना है, तो वेब अराउंड द अफेक्टेड पोर्शन शुड बी क्लीन, कॉटन स्वैब को सोक किया जाता है पेट्रोल या केरोसिन में, और जो होल जहाँ पे, जिस होल से वो अंदर जाते हैं वहां पे सील कर दिया जाता है घुसा के, और अल्टरनेट स्प्रे ऑफ केमिकल फॉलो किया जा सकता है। उसके बाद अदर पेस्ट, अगर पोमोग्रेनेट की बात करें तो ये हमारा हो गया व्हाइट फ्लाई है, पोमोग्रेनेट एफिड है, फिर मिली बग है, पोमोग्रेनेट मिलीबग जिसको फ्रेशिया वल्गाटा बोलते हैं, उसके बाद पोमोग्रेनेट थ्रिप्स, यहाँ पे ये देख सकते हैं रेडिश इन कलर है, देन आपका बैग वर्म आ गया, पोमोग्रेनेट बैग वर्म, ये भी डैमेज करता है, और फिर फ्रूट फ्लाई। सो ये सारे आपके पोमोग्रेनेट के पेस्ट हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोमोग्रेनेट एंड इट्स पेस्ट मैनेजमेंट। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल and spread and aware about the insect pest and its management. Thank you.